नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रभा वाजपेयी। बाराबंकी के तहसील सिरौली गौसपुर क्षेत्र के कोतवाली टिकैत नगर परिसर में एक व्यापारियों एवं गणमान्य व्यक्तियों की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम सिरौली गौसपुर प्रिया सिंह एवं रामस्नेही घाट क्षेत्राधिकारी रघुवीर सिंह ने की। एसडीएम सिरौली गौसपुर ने बताया, अपने घरों में छोटे छोटे बच्चों को समझाएं एवं छोटे बच्चों को बड़े पटाखे लगने वाले ना लाकर दें। माताब गिन गिन या अनार जैसे पटाखे लाकर दें ताकि दुर्घटना ना हो सके। इसी प्रकार की बच्चों के साथ दीपावली खुशी का त्यौहार है, सभी लोग मिलजुल कर मनाएं। पटाखे की दुकानों के बारे में दिशा निर्देश दिए कि जो भी दुकानें पटाखे की लगेंगी आबादी से हटके लगेंगी। दुकानदारों के पास आग बुझाने का सिलेंडर बालू आदि मौके पर रखें। दुकानें पूरी तरीके से टीम की शर्ट से बना कर रखें ताकि कोई दुर्घटना न हो सके। जहां पर पटाखे की दुकान हो वहां पर किसी प्रकार की कोई भी आतिशबाजी न की जाए, मौके पर मौजूद रहे। टिकैत नगर कोतवाल संतोष कुमार सिंह, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष कृपा शंकर शुक्ला, विधानसभा अध्यक्ष सुनील गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष राजेश शर्मा, फक्कड़ कोषाध्यक्ष मुन्ना रायन, उपाध्यक्ष क्रांति कश्यप, मंत्री सोनू शर्मा, कस्बा इचौली अध्यक्ष मोहम्मद हारून, सलमान सिद्दीकी सहित व्यापारी एवं गणमान्य मौजूद रहे। इंडिया पावर न्यूज के लिए दिलीप कुमार की रिपोर्ट। वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।